हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। और जब हम बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर्स की, तो यूरेका फोर्ब्स को कौन नहीं जानता। वेल, ये वही कंपनी है जहां से हमने भी हमारा पहला वैक्यूम क्लीनर खरीदा था। एंड गेस व्हाट, ये एक 39 इयर्स ओल्ड कंपनी है जिनके पास एक वैरायटी है अलग अलग प्रोडक्ट्स की उनके पोर्टफोलियो में। और आज हम देखेंगे इनके नए रोबोट वैक्यूम क्लीनर को। ये एक नया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जिसका नाम है रोबो एलवैक वॉइस। और अगर हम बात करते हैं इनके रेंज की, तो यहाँ पर इनके पास है एलवैक वॉइस, ईवैक और रोबो वैक एंड मॉप। और उसी के साथ साथ आज हम लोग देखेंगे डिटेल में कि इस पैकेज के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, कैसा है ये रोबोट और क्या क्या काम ये कर सकता है। लेट्स मेक टाइम फॉर थिंग्स यू लव। चलिए हम सबसे पहले तो करते हैं इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग की, तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा इसका बॉक्स। इसके ऊपर क्लियर से एक लेबल है, ब्रांड के डिटेल्स हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो सील है उसे निकाल देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है फोर्ब्स रोबो एलवैक वॉइस वर्क्स ऑन ऑल सर्फेसेस, ड्राई वैक्यूमिंग एंड वेट मॉपिंग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडिशनल डिटेल्स मेंशन है, लाइक द MRP इज 34,999 rupees। हालांकि द एग्जैक्ट प्राइसिंग कैन बी फाउंड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बैटरी पावर है 2600 mAh, रन टाइम एंड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदर साइड यू हैव मोर डिटेल्स लाइक वर्चुअल रूम मैपिंग। उसी के साथ साथ यहाँ पर है आपके सामने ऑटो डॉकिंग और उसी के साथ में है ऐप कंट्रोल एंड वॉइस कंट्रोल, जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे जाके बात करूँगा। चलिए यहाँ पर फटाफट से इसे खोल देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले है हमारे सामने ये यूज़र मैनुअल जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ में आपको मिल जाता है एक रिमोट कंट्रोल जिससे आप इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो। उसी के साथ में आपको यहाँ पर दो मॉपिंग क्लॉथ मिल जाते हैं। एडिशनली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक 2-in-1 इलेक्ट्रॉनिक वाटर टैंक जो हमें एक एडिशनल एक्सेसरी की तरह मिल जाता है। इसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडिशनली हमें एक पावर एडाप्टर मिल जाता है और साथ में हमें यहाँ पर एक हेपा फिल्टर प्लस क्लीनिंग ब्रश मिल जाता है। मतलब बेसिकली एडिशनल एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं जिससे आप कुछ भी डस्ट हो उसे निकाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर हमें मिल जाता है चार्जिंग डॉक जिसे ऑटोमेटिकली रोबोट कनेक्ट करके चार्ज करेगा अपने आप को। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा साइड ब्रशेस मिल जाते हैं। बेसिकली दो तो आपको कनेक्ट करने हैं लेकिन कुछ एडिशनल ब्रशेस भी मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस रोबो। और ये काफी गुड बिल्ड, अच्छे बिल्ड का एक लग रहा है रोबो, जिसके पीछे अगर आप देखोगे तो काफी सारे सेंसर्स हैं और व्हील्स भी मौजूद है। यहां पर आपको साइड ब्रश कनेक्ट करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। और यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विथ टर्निंग ऑन एंड ऑफ। यहाँ पर आप इस रोबोट को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, आइदर थ्रू द रिमोट कंट्रोल और एल्स द स्मार्टफोन एप्लीकेशन। जस्ट आपको यहाँ पर एक बटन दबाना है रिमोट के ऊपर और रोबोट शुरू हो जाएगा और अपना काम भी कर देगा। आप देख सकते हो कितना आसान है। इनफैक्ट आपके घर में बच्चे भी इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और आपके घर को साफ रख सकते हैं। लेट्स टेक ए लुक एट दिस डेमो। अब अगर हम बात करते हैं इस रोबो को कंट्रोल की, तो यहाँ पर आपको मिलता है वॉइस कंट्रोल, स्मार्टफोन एप्लीकेशन कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल। बेसिकली आप इस रोबो को सिंपल वॉइस कमेंड्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स थ्रू Amazon Alexa ऐप या फिर Echo के थ्रू। Alexa, ask Forbes Robo to start cleaning. Forbes Robo is cleaning. दोस्तों, स्मार्टफोन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो इनका एप्लीकेशन जिसका नाम है EFL Forbes Robo, जहां पर साइन अप प्रोसेस बहुत ही आसान है और इनफैक्ट सेटअप भी बहुत ही आसान है। आपको यहां पर वाईफाई बटन मिलता है जिसे लॉन्ग प्रेस करना है, जिसके बाद ये पेयरिंग मोड में एंटर हो जाता है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप एक्सेस करोगे ये पेज, जहां पर आपको आपके घर का कंप्लीट एक मैप भी दिखेगा। यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो आपके रोबो को कहीं से भी, दैट्स ऑल ओवर द कंट्री, दैट्स इंडिया।
और यहां पर आप सेट कर सकते हो आपके क्लीनिंग शेड्यूल्स को अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक एरियाज जिसे क्लीन करना है, और आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कुछ एरियाज को जहां पर आप सोचते हो कि रोबोट को नहीं जाना चाहिए। ये एक प्लेस है जहां पर आप देख सकते हो बैटरी स्टेटस, कितने समय से ये काम कर रहा है, मतलब क्लीन कर रहा है आपके घर को, कितना एरिया कवर कर दिया, और उसी के साथ साथ आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि ब्रश, रोल ब्रश और हेपा फिल्टर की यूसेज रिपोर्ट्स जिसे आप चेंज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ती है। एडिशनली अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन के अलावा, यहां पर आपको एक छोटा सा ये क्यूट सा रोबोट का एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जिससे आप इस रोबोट को नेविगेट कर सकते हो, इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो कि क्या उसे करना है और कौन सी जगह को उसे क्लीन करना है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों ड्राई वैक्यूमिंग की, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है ड्राई वैक्यूम। ये क्लीन करता है आपके घर में डस्ट, डर्ट, जो भी बाल गिरे होते हैं घर के अंदर, या फिर अगर बच्चों ने कुछ खाना खाया है तो खाना जो भी फूड पार्टिकल्स है इन सबको ये क्लीन कर देता है और घर को कर देता है स्पॉटलेस। लेट्स टेक अ लुक एट अ डेमो जहां पर आप देख सकते हो कितने एफिशिएंट तरीके से ये काम करता है। अगर हम बात करते हैं तो रोबोट ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एडजस्ट करता है अपने क्लीनिंग मोड को, अगेन एनवायरमेंट को चेक करता है, उसकी बेसिस के ऊपर ये अलग अलग मोड्स को एनेबल करता है जैसे कि स्पाइरल मोड, एज मोड और ज़िगज़ैग मोड। अगेन उसका एक डेमो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्लीनिंग मोड की तो ये रोबोट सपोर्ट करता है स्पाइरल, एज और ज़िगज़ैग के अलग अलग क्लीनिंग मोड्स। अगर हम बात करते हैं स्पाइरल क्लीनिंग की तो ये रोबोट मूव करता है स्पाइरल मोशन में ताकि वो सेंटर की तरफ जाए और आपको डीप क्लीनिंग मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एज क्लीनिंग मोड की तो ये रोबोट आपके घर के एजेस जो वॉल के होते हैं उसे क्लीन करता है, मतलब कॉर्नर्स और एजेस को क्लीन करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ज़िगज़ैग मोड की तो यहां पर ये रोबोट ज़िगज़ैग मोशन में जाता है ताकि जो भी पार्टिकल स्प्रेड है आपके रूम में उसे वो क्लीन कर दे। दोस्तों हम बात करते हैं अब वेट मॉपिंग की, और हम रहते हैं इंडिया में जहां पर मॉपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली हमारी पुरानी आदतें हैं कि हमें घर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्लीटली क्लीन हो और शाइनिंग भी कर रहे हैं हमारे फ्लोर्स, तो यहां पर ये जो रोबो है वो उस काम के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम में आता है। और वहां पर यूज होता है मॉपिंग के लिए एक छोटा सा सिस्टम जहां पर आप यहां पर पानी भर सकते हो इस बिन के अंदर, और उसके बाद ये बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आपके घर को क्लीन कर देता है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डेमो जहां पर ये रोबो आपके घर के अंदर मॉपिंग करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे एरिया की जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। ये रोबो आता है शेड्यूलिंग ऑप्शन के साथ, मतलब बेसिकली आप इसे शेड्यूल कर सकते हो कि आपके घर को कब ये क्लीन करे। लेट्स से आप घर के बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, या फिर आप रात में जब सो रहे हो उस समय में आपके घर को आप क्लीन करना चाहते हो, तो आप इन ऑप्शंस को इसी एप्लीकेशन के अंदर शेड्यूल कर सकते हो। अब एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पर ये अपना काम करेगा व्हाइल यू आर नॉट गेटिंग एनी डिस्टर्बेंस। बेसिकली आप आराम से सो गए, रात में ये घर क्लीन कर देगा, सुबह जब आप उठते हो आपका घर कंप्लीटली क्लीन हो। ये करने के लिए आपको जाना है इनके एप्लीकेशन के अंदर जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लीन रिजर्वेशन का, जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो टाइम एंड डेट जब आप इस रोबोट को ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं एंटी फॉल सेंसर की। वेल ये रोबोट आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के साथ। अगर आप रहते हो ड्यूप्लेक्स हाउस में या फिर अगर आपके घर के अंदर सीढ़ियां हैं तो आपको डरने की बात ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये जो रोबो है इसके अंदर मिलता है स्मार्ट एंटी फॉल सेंसर जो मेक श्योर करता है कि ये रोबो कहीं सीढ़ियों से कोई हाइट से ना गिर जाए। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और डेमो से आपने देख ही लिया होगा कि कितने एफिशिएंट तरीके से ये गिरता तो बिल्कुल नहीं है।
अब हम बात करते हैं इस रोबोट के इंटरनल की, बेसिकली बैटरी की, और ये आता है 2400 mAh की बैटरी के साथ, मतलब आपको 90 मिनट्स का रन टाइम मिल जाता है। लेकिन गेस व्हाट, द फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया इसे यूज करना, विद इन 30 मिनट्स ऑफ यूसेज मैंने देखा सिर्फ 25% बैटरी ही यूज हुई थी, एंड दैट्स क्लियरली शोन ऑन दिस स्क्रीन शॉट, विच मीन्स यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छी मिल जाती है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक भी ये चलता है ऑन ए फुल चार्ज इन द स्टैंडर्ड मोड। हालांकि जब आप स्विच करते हो पावरफुल मोड में जिसका नाम है मैक्स, तब यहाँ पर हायर सक्शन होता है, बेसिकली यहाँ पर डस्ट बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पिकअप करता है, और उसी के साथ साथ ये रोबो आता है ऑटो डॉकिंग फीचर के साथ, मतलब बेसिकली जब इसकी बैटरी कम हो जाती है ये खुद अपने चार्जिंग डॉक की तरफ चले जाएगा और शुरू कर देगा अपनी चार्जिंग। दोस्तों अगर आपके घर में कारपेट्स है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो रोबो है ये डिजाइन किया गया है अलग अलग सर्फिसेज के लिए, मतलब आप ये सीमलेसली क्लीन करेगा कारपेट्स के ऊपर, वुडन फ्लोरिंग के ऊपर और मार्बल के ऊपर भी। और उसी के साथ साथ आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है एड प्रेशर फॉर कारपेट क्लीनिंग, जिसको एनेबल करने के बाद ये मेक श्योर करता है कि आपके कारपेट्स को ये बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीन करे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो मैं पर्सनली बहुत ही रेगुलरली यूज करता हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट क्लीनिंग। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं और आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया जैसे कि लिविंग रूम या फिर टीवी एरिया के आसपास कुछ कचरा भर गया है, बच्चों ने कुछ कचरा कर दिया है, तो आप स्पॉट क्लीनिंग ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो, और ये स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा, जहां पर आप टैप करोगे कस्टमाइज के ऊपर, जहां पर आपको सेलेक्ट करना है एरिया और फिर टैप करना है इनिशिएट द क्लीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक एरिया। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इस ऐप के थ्रू, और उसी के साथ साथ ये आता है एक टर्बो मोड के साथ जहां पर टफ स्टेन क्लीनिंग भी होता है, जो और उसी के साथ साथ ऑटोमेटेड क्लीनिंग कर सकते हो आप पूरे घर का, जहां पर रोबोट खुद जाएगा और पूरे घर को भी क्लीन कर देगा। बट बेसिकली स्पॉट क्लीनिंग का फायदा यह है कि आप स्पेसिफिक एरिया बता दीजिए, उसी एरिया में रोबोट जाएगा, उसे साफ करेगा और वापस अपने चार्जिंग डॉक में आ जाता है। हालांकि उसी के साथ अगर आप साइलेंट मोड यूज करते हो तो रोबोट बहुत ही साइलेंटली आपके घर के अंदर जाएगा, बिना कोई नॉइज किए अपना काम करेगा और वापस आ जाएगा। दोस्तों रोबोट ने तो अपना काम कर दिया, मतलब आपके घर के अंदर जो कचरा था उसे तो साफ कर दिया, लेकिन जो कचरा था वो इसके अंदर चला गया है, एंड इट्स टाइम टू एम्प्टी दिस रोबोट। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको आगे एक बटन है उसे प्रेस करना है और उस बिन को बाहर निकालना है, और उसके बाद आप इस कचरे को बाहर फेंक सकते हो। इट्स वेरी ईजी, एंड इनफैक्ट आप यूज कर सकते हैं इसके साथ जो एडिशनल एक्सेसरीज है, जिससे आप इनके फिल्टर को और फैन को भी क्लीन कर सकते हो, जहां पर जनरली सारे बाल और जो भी बड़े कचरे होते हैं वो वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, तो उन सबको आप निकाल सकते हो। ओवरऑल दोस्तों ये काफी इंप्रेसिव मशीन है, विच हैज बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया, एंड यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट द सेम। ये आती है 1 साल की वारंटी के साथ, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल ट्रस्ट यूरेका, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेल्स सर्विस, क्योंकि यहां पर ये अपनी जो प्रॉमिस है उसे कंप्लीटली कंप्लीट करते हैं, तो बेसिकली आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर में इस रोबोट को यूज कर सकते हो, घर को क्लीन कर सकते हो। और ये थे मेरे थॉट्स और टॉप फीचर्स मुझे जो लगे इस रोबोट के बारे में। अगर आपके पास कोई भी सवाल इस प्रोडक्ट को लेकर तो नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।